चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू, दिस दिया है द टाइम व्हेन द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सीजेस टू बी जीरो, अल्फा कब जीरो होगा, ठीक है, किस टाइम पे, ये टाइम पूछ रहा है ना, एक तरह से देखा जाए एट द टाइम व्हेन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, अल्फा की वैल्यू जीरो कब होगी। तो ओमेगा अगर दिया हुआ है 1.5 t माइनस 3 t² प्लस 2, तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 1.5 × 1 माइनस 3 × 2 t प्लस 0, यानी डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 6 t आया, और यही है अल्फा। और अगर अल्फा की वैल्यू, ये वैल्यू जीरो कर दी जाए, 0 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 6 t, तो t इज इक्वल टू 1.5 बाई 6, ये कितना आ जाएगा 0.2 और 0.25 सेकेंड में ये आपका जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा 0.25 सेकेंड, ये वाला बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।